एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नेप आर्डिनेंस के मुताबिक बाकायदा वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, सेक्शन 1 से लेकर और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने लास्ट सेक्शन तक हमने रिसर्च करने के मुताबिक आप देख सकते हैं कि वीडियो स्टार्ट की है। आपकी आसानी के लिए मैंने अपना विजिटिंग कार्ड भी आपके सामने रखा हुआ है, ताकि अगर आप रहनमाई चाहें, रहनमाई हासिल करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर सवाल और जवाब करें और मुझे ये बताइएगा कि आपको ये जो वीडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ समझ में आ रही है, या इसमें कमी पेशी या कोई भी किस्म की सजेशन आप देना चाहें तो मैं इसकी तारीफ़ करूँगा, क्योंकि इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता और मैं भी आपकी तरह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5, डेफिनेशंस, वजाहतें। ए, अक्यूज्ड शल इंक्लूड अ पर्सन। मुजरिम की वजाहत इस तरह से होगी कि मुजरिम वो होगा, ए पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव, कि अगर किसी के खिलाफ वो बाकायदा ग्राउंड्स मौजूद हैं, दैट ही इज आर हैज बीन इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि अगर उसने किसी भी किस्म का जुर्म किया हुआ है जो कि ट्राइबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, आर इज ए सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाया जा सकता है, आर इंक्वायरी बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से, आर एनी अदर एजेंसी या किसी दूसरी एजेंसी की जानिब से, अथोराइज बाय द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इन दिस रिगार्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से अथोराइज की गई है, इजाजत दी गई है। अच्छा, मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि अदर एजेंसी से मुराद JIT भी होती है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि एक मुकर्रर की जाती है कि वो किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करे और उसके मुतालिक बाकायदा शवाहिद इकट्ठा करे। बी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मीन्स इन रिलेशन टू एनी पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन, इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ कॉरपोरेशन, बॉडी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक अथॉरिटी अंडरटेकिंग, आर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन सेट अप कंट्रोल आर एडमिनिस्टर्ड बाय आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट एंड इन अदर केसेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर द लोकल गवर्नमेंट कंसर्न। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब हुकूमत, मुतालिका हुकूमत। अब मुतालिका हुकूमत वो होगी जो कि वफाक या सूबाई मामला देख रही है, या फिर किसी भी शख्स को भर्ती कर रही है, या बैंक अथॉरिटी, कोई भी अदर अगर इदारा हो गया जो कि वफाक या सूबे के हुकूमत के अंदर काम कर रहा है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब मुतलका हुकूमत होगी। असेट्स, असेट्स मतलब असासाजात। अब असासाजात की वजाहत कुछ इस तरह से दी गई है कि असेट्स मीन्स एनी प्रॉपर्टी ओन्ड कंट्रोल्ड बाय आर बिलोंगिंग टू एनी अक्यूज्ड। असासाजात के माना है कि किसी भी किस्म की मिल्कियत जो कि किसी के कब्जे में है, जिसके अगर कोई उसका मालिक है जो कि मुजरिम से ताल्लुक रखती है, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि सही तरीके से हो या फिर वाजे तरीके से हो या फिर गैर वाजे हो, आर हेल्ड बेनामी इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस, कि अगर उसने अपने बीवी बच्चों के नाम पर बेनामी रखी हुई है, आर रिलेटिव्स आर एसोसिएट्स या फिर रिश्तेदार या एसोसिएट्स के नाम पर बनाई है, वेदर विद इन आर आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, आर विच ही कैन नॉट रीजनेबली अकाउंट फॉर आर फॉर विच ही कैन नॉट प्रूफ पेमेंट ऑफ फुल एंड लॉफुल कंसिडरेशन, जिसको वो सही तरीके से वाजे नहीं कर रहा तो वो उसके असासाजात डिक्लेयर होंगे, वो समझा जाएगा कि उसके असासाजात हैं जो कि मुजरिम इस कानून के तहत ट्रायल किया जा रहा है, मुकदमा चलाया जा रहा है। एसोसिएट मींस, एसोसिएट की वजाहत। अब एसोसिएट मतलब साथी। वन, एनी पर्सन हु इज आर हैज बीन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ आर कीपिंग अकाउंट्स फॉर द अक्यूज्ड आर हु एंजॉयज आर हैज एंजॉयड एंड बेनिफिट फ्रॉम द असेट्स,
साथी के माना है कि हर वो आदमी या कोई भी शख्स जो कि किसी के मामलात मैनेज कर रहा है, चला रहा है, अकाउंट्स देख रहा है या फिर किसी भी किस्म के उससे फवायद हासिल कर रहा है तो वो एसोसिएट होगा। एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फॉर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ऑफ विच द अक्यूज्ड इज आर इज हैज बीन अ मेंबर, पार्टनर और डायरेक्टर आर विच हैज बीन प्रोमोटेड, फ्लोटेड, एस्टेब्लिश्ड और रन बाय अक्यूज्ड, वेदर सिंगली और ज्वाइंटली विथ अदर पर्सन्स। एसोसिएट के माना है कि कोई भी किस्म के शख्स या जो भी बंदे होंगे जो पार्टनरशिप कहलवाती है, फर्म है या किसी भी किस्म की लिमिटेड कंपनी है जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के दायरा कार में आती है, इस तरह के जो भी मुजरिम होंगे उनके अगर कोई मेंबर हैं, पार्टनरशिप शराकत दार हैं, डायरेक्टर हैं या कोई भी प्रमोट किए गए हैं जो कि मामला देख रहे हैं, चला रहे हैं मुजरिम के, तो वो भी इसके एसोसिएट तस्वर किए जाएंगे या मान लिए जाएंगे। ए ट्रस्टी ऑफ एनी ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय द अक्यूज्ड आर ऑफ विच द अक्यूज्ड इज ऑल्सो अ ट्रस्टी आर अ बेनिफिशरी, कि अगर कोई ट्रस्ट के बुनियाद पर डिक्लेयर की गई है जो कि मुजरिम की जानिब से मामला देखे जा रहे हैं तो या फिर उसका बेनिफिशरी है अ बेनामीदार, तो वो भी इस डेफिनेशन में आएंगे, वजाहत में आएंगे। बेनामीदार मीन्स एनी पर्सन हु ऑस्टेंसिबल होल्ड्स आर इज इन पोजेशन और कस्टडी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन अक्यूज्ड ऑन हिज बिहाफ फॉर द बेनिफिट एंड एंजॉयमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। बेनामीदार की माने होंगी कि कोई भी किस्म का शख्स जो कि कब्जे में रखता है किसी भी किस्म की मिल्कियत जो उसके हवाले है, जो उससे फवायद हासिल कर रहा है या फिर उसकी इंजॉयमेंट कर रहा है तो वो बेनामीदार होगा। चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज सच बाय द प्रेजिडेंट एंड मेंशन इन सेक्शन 6B हेयर आफ्टर। चेयरमैन नेब के माने हैं कि कोई भी शख्स सदर ममलकत की जानिब से मुकर्रर किया गया हो जो कि सेक्शन 6B में बताया गया है। सेक्शन 6B में चेयरमैन नेब के मुतालिक बताया गया है कि उसके रिक्वायरमेंट क्या होंगे और आप भर्ती के तरीके कार क्या होंगे जो कि आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, मौजूद बहस लाएंगे। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कोड मतलब सीआरपीसी को फॉलो किया जाएगा और इसके जो मुकदमात होंगे, तरीके कार इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी वो सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 को फॉलो किया जाएगा। कंसिलिएशन कमेटी मीन्स द कंसिलिएशन कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 25A। कंसिलिएशन कमेटी एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि मामलात को अफहाम व तफहीम के साथ देखने की कोशिश करेगी जो कि सेक्शन 25A में बयान की गई है। आगे चलकर इसको हम सही तरीके से वजाहत के साथ समझेंगे, डिस्कस करेंगे। कोर्ट मीन्स एन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट विच शल कंसिस्ट ऑफ अ जज हु शल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न एंड सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजिडेंट। कौमी एहतसाब अदालत इस तरह से होगी कि जो जिसका जज सदर की जानिब से मुकर्रर किया जाएगा, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के मुतल्लिका जो सूबे में आती है उसके मुशावरत से, और उसके जो शर्त व शराइत हैं वो सदर ममलकत तय करेंगे। जज मीन्स अ जज ऑफ अ कोर्ट हु शल बी अ सर्विंग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड इंक्लूड्स अ जज वेदर सर्विंग अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हु वॉज अपॉइंटेड जज ऑफ अ कोर्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2001। जज के माना होंगे कि किसी भी किस्म का जज जो कि हाई कोर्ट के हुक्म के तहत या मातहत काम कर रहा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, चाहे वो रिटायर्ड हो या फिर सर्विस में हो, तो उसको मुकर्रर किया जाएगा कौमी एहतसाब अदालत के जज के तौर पर। डिप्टी चेयरमैन नेब
डिप्टी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बाय द प्रेसिडेंट। डिप्टी चेयरमैन नेब के जो मुकर्ररी के अख्तियार आते हैं वो सदर के हैं और वो सदर ही उसकी भर्ती करेगा। अब आगे इसका तरीक़ेकार बताया गया है, शर्तो शराइत बताए गए हैं कि चेयरमैन नेब के मुकर्ररी के तरीक़ेकार क्या होंगे। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मीन्स द ब्यूरो सेट अप एंड नोटिफाइड अंडर दिस ऑर्डिनेंस हेयर एंड अंडर रिफर्ड इज नेप। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब कौमी एहतसाब का एक ब्यूरो मुकर्रर किया गया है जो कि इस ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आया है या फिर आ रहा है। फ्रीजिंग इंक्लूड्स अटैचमेंट सीलिंग प्रोहिबिटिंग होल्डिंग कंट्रोलिंग आर मैनेजिंग एनी प्रॉपर्टी आइदर थ्रू अ रिसीवर आर अदरवाइज एज मे बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट आर चेयरमैन नेब एंड इन केस इट इज डीम्ड नेसेसरी द डिस्पोजल देयर ऑफ बाय सेल देयर थ्रू ऑक्शन आर नेगोशिएशन सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द कोर्ट आर बाय चेयरमैन नेब एज द केस मे बी आफ्टर पब्लिक नोटिस। के फ्रीजिंग मतलब कब्जे में लेना, फ्रीज करना, जब्त करना, कोई किसी भी किस्म के असासा जात को जब्त करने का तरीके कार होगा या फिर जो मुकर्रा किया गया तरीका है वो इस तरह से होगा कि अटैच मतलब हवालगी में लेना, सीलिंग उसको सील कर देना, प्रोहिबिटिंग या फिर उसको ममानत कर देना, होल्डिंग कंट्रोलिंग आर मैनेजिंग या किसी को मना करना कि वो उसको होल्ड करे, कब्जे में रखे, कंट्रोल करे, चलाए या मैनेज करे किसी भी किस्म की मालियत आइदर थ्रू अ रिसीवर किसी रिसीवर के जरिए जो कि अदालत की जानिब से मुकर्रर किया गया है या किया जाएगा और अदरवाइज या फिर दूसरे तरीक़ेकार जो के बताए गए हैं अदालत की जानिब से कौमी एहतसाब अदालत या कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से और अगर इस तरह से लाजमी होगा तो ये पब्लिक नोटिस में लाने के बाद बाकायदा इस पर अमल दरामद किया जाएगा। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मीन्स अ पर्सन हु सरकारी मुलाजिम या जो कि सरकारी मुलाजमत के मामला देख रहा है तो उसकी वजाहत कुछ इस तरह से है कि ए हैज बीन द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस जो कि अगर किसी भी किस्म की सरकारी मुलाजमत या ऑफिस संभालते हैं तो उसके माना कुछ इस तरह से होंगे जो कि हो सकते हैं सदर ममलकत पाकिस्तान के गवर्नर सूबे के इज ऑफ हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन सेनेट स्पीकर आर द नेशनल असेंबली डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली फेडरल मिनिस्टर। अब ये पूरे पब्लिक होल्डर्स के डिटेल तफसीलात बताए गए हैं कि वो कौन होंगे तो उसमें सबसे पहले हमें बताया गया है कि सदर ममलकत सूबाई गवर्नर या फिर वजीर आजम चेयरमैन सेनेट स्पीकर नेशनल असेंबली कौमी असेंबली के सूबाई असेंबली के स्पीकर अटारनी जनरल लॉ ऑफिसर या जो भी इस तरह के मामला आते हैं बताए गए हैं जो यहां पर डिफाइंड किए गए। आप देख सकते हैं कि जिसने अगर किसी भी किस्म की ऑफिस या पोस्ट ओहदा रखा है तो चाहे वो सूबाई हो या वफाकी या मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट और रियासत का मिनिस्टर इज होल्डिंग आर हैज हेल्ड द इन ऑफिस आर द आर पोस्ट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो कि अगर किसी भी किस्म की ऑफिस की चार्ज रखता है या ओहदा रखता है मुलाजमत पाकिस्तान में या किसी भी वफाकी या सूबाई हुकूमत में तो उसको ओहदेदार तसव्वुर किया जाएगा, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कंसिडर किया जाएगा उसके कब्जे में चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हुकूमत हो तो उसको पब्लिक ऑफिस होल्डर कहा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मुकम्मल तफसीलन बताया गया है। अगर आप वीडियो को पूरी तरीके से देखना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं डेफिनेशन को तो वीडियो को रोक कर पास करके आप इजीली रीड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि नाजिम नायब नाजिम रिटायर्ड सर्विंग कोई भी किस्म का अगर सरकारी ओहदा कोई भी रख रहा है अपने पास तो उसको होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस कहा जाएगा सवाय प्राइवेट पर्सन के जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं कि बताया गया ऑफेंस, ऑफेंस मतलब जुर्म। अब ऑफेंस की क्या माना है, ऑफेंस मतलब जुर्म मीन्स द ऑफेंसेस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस।
इस तरह के जुर्म जो कि करप्शन के जरिए किए जाएं या करप्ट प्रैक्टिसेस अमल के जरिए एंड अदर ऑफेंसेस या दूसरे जुर्म इज डिफाइंड इन दिस ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड्स द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन दिस शेड्यूल ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, या वो जुर्म जो कि शेड्यूल में बताए गए इस ऑर्डिनेंस के, तो वो जुर्म के वजाहत होगी। पर्सन अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज सो रिक्वायर्स इंक्लूड्स इन द केस ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट द स्पॉन्सर्स चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर इलेक्टेड डायरेक्टर्स बाय वेदर नेम कॉल्ड। अब पर्सन्स में यहां पर बाकायदा शख्सियात में बताया गया है कि चाहे वो सीईओ है, डायरेक्टर, चेयरमैन या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या कोई भी, तो उसके माना होगी कि वो पर्सन है, बॉडी तस्वर की जाएगी। अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम कि प्रॉपर्टी मालियत के माना होंगे कि इंक्लूड से या फिर मुश्तमिले एनी और ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान। किसी भी किस्म की मालियत जो कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मुश्तमिले मुकर्रर है तो उसको प्रॉपर्टी मालियत मिल्कियत तसव्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुकूमत की मिल्कियत कुछ इस तरह से होगी कि बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट जो कि हुकूमत के पास है एंड इंक्लूड्स गिफ्ट्स डोनेशंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट्स रिसीव्ड आर कलेक्टेड इन वेदर नेम आर फॉर वेदर वॉट एवर पर्पज बाय अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब कि हुकूमत की मिल्कियत कुछ इस तरह से होगी कि अगर किसी भी किस्म के इदारे या शख्सियत या ऑफिस होल्डर को तोहफे डोनेशंस खैरात फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, ग्रांट्स दी जा रही है, चाहे उसने खुद रिसीव किए हों या रिसीव करवाए हों किसी के जरिए, तो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहा जाएगा। विलफुल डिफॉल्ट अ पर्सन आर अ डिक्री होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस इज ए सेड टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस इफ ही डज नॉट पे आर कंटिन्यूज नॉट टू पे आर रिटर्न आर रीपे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू। विलफुल डिफॉल्ट मतलब जानबूझकर किसी की जानिब से डिफॉल्ट मतलब खसारा करना, कि वो कुछ इस तरह से होगा कि अ पर्सन किसी भी शख्स की जानिब से जो कि पब्लिक ऑफिसर पब्लिक ऑफिस हेल्ड करता है, तो उसकी जानिब से अगर कोई सी किस्म का घपला किया जाता है, गबन किया जाता है, या वो पैसे वापस नहीं कर रहा जो उसकी जानिब बनते हैं जो कि उसने किसी भी बैंक फाइनेंशियल मालियाती इदारे से कॉरपोरेट सोसाइटी या किसी भी किस्म के इदारे वफाकी चाहे सूबाई या जो वफाक या सूबे या किसी के भी अंडर कंट्रोल में आता है स्टेट बैंक के, तो वहां से उसने अगर किसी भी किस्म का गबन किया है तो वो विलफुल डिफॉल्ट मतलब जानबूझकर गबन करना, बेमानी करना या नुकसान पहुंचाने वाला कहा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट विलफुल डिफॉल्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, ये जानबूझकर गबन या चोरी नहीं होगी। इफ सच पर्सन आर होल्डर ऑफ ऑफिस वॉज अनेबल टू पे रिटर्न आर रिपे द अमाउंट एज अफर सेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी विलफुल ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट आर ऑब्लिगेशन आर फेल्यूअर टू परफॉर्म स्टेचुअरी ड्यूटी ऑन पार्ट ऑफ एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेचुअरी बॉडी आर एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ये गबन नहीं कहलाया जाएगा या तस्वर किया जाएगा, समझा जाएगा कि अगर किसी की जानिब से विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया गया मतलब जानबूझकर गबन या कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया जानबूझकर जो कि वफाक या सूबाई या किसी भी इदारे की जानिब से, तो वो अगर वापस करने की पोजीशन में नहीं है, डिफॉल्ट हो गया है, तो वो उसको विलफुल डिफॉल्ट नहीं कहा जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ डिफॉल्ट कंसर्निंग अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ 7 days नोटिस हैज ऑल्सो बीन गिवन टू द डिफॉल्टर बाय द गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर किसी बैंक के जानिब से कोई विलफुल डिफॉल्ट करता है तो उसको गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से 7 दिन का नोटिस देना लाजमी होगा।
provided further that the aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial the time of promulgation of the National Accountability Bureau Ordinance. के अगर किसी भी इदारे को या शख्स को 30 दिन का या कोई भी 7 डेज का नोटिस देना लाजमी नहीं होगा जो कि इस कानून के इश्तिहार होने से पहले के ट्रायल उसका हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की मदद से आपकी रहनुमाई हो जाएगी और आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे, तालीमात हासिल कर सकेंगे और अगर आप केसेस के मुतालिक समझना चाह रहे हो तो भी आपके लिए ये बाकायदा काम की एक वीडियो है जो जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत चाहे सूबाई वफाकी या कोई भी इदारा वो किस तरह से अगर नेप की जानिब से नेप के रेडार में किस तरह से आएगा, नेप अपनी कार्रवाई किस तरह से करेगी या फिर कोई भी नेप के जो ट्रायल हैं कोर्ट या अदालत हैं कौमी एहतसाब ब्यूरो की अदालत वो किस तरह से काम करेंगी। तो ये वीडियो आपके लिए देखना इसको समझना लाजमी है जिसको आसान व फहम उर्दू में समझाने की कोशिश की है मैंने और उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट सेक्शन में मुझे आप लाजमी बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ समझ नहीं आई ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कर सकूं। पाकिस्तान में कानून पर अमल हम सब पर फ़र्ज है तो इस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून पर अमल दरामद के लिए इकदाम उठाने को यकीनी बनाएं, खुद भी कानून पर अमल करें और दूसरों को भी ताकीद फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।